नमस्कार। एसिड यानी अम्लता हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है। आयुर्वेद में कहा गया है कि आपके भोजन के सेवन में 80% तक क्षारीय और 20% अम्लीय भोजन हो तो आपका शरीर सही कार्य करेगा, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। हम 20% भी क्षारीय नहीं दे रहे, यानी एल्केलाइन भोजन नहीं दे रहे हैं। हम 80% अम्लीय नहीं, 100% अम्लीय। अम्लीय कौन सा भोजन है? जो तल गया, जो खट्टा है, जो पैकेट जंक फूड्स है, जिनमें रासायनिक क्रियाएं अभिक्रियाएं बहुत ज्यादा हुई है, वो सारे एसिडिक है। और सबसे बड़ा एसिड जो है वो है चाय। अगर आपको शरीर में एसिड बनना शुरू हो गया, अगर आपके ब्लड में एसिड चला गया, अगर आपका रक्त अम्लीय हो गया, तो हार्ट की प्रॉब्लम कोई रोक नहीं सकता और ब्लॉकेज जो है वो 100% आएंगे। ये बात मुझे कहाँ नजर आई? पीछे एक दो दिन में मैंने 2-3 घटनाएं युवाओं की 24 साल 25 साल 40 साल 30 साल के डेथ की, हार्ट डेथ से देखी है, क्योंकि वो लोग सारे के सारे और बहुत हाई फाई लाइफ के लोग हैं, जो ब्रेड्स के ऊपर, जो बाहर के जंक फूड्स के ऊपर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन लोगों को मैं बता दूं कि आप अम्लीय भोजन बहुत सारा शरीर में भर रहे हैं, साइलेंट पूरे ब्लड के अंदर अम्लता यानी एसिड बढ़ रहा है, और वो एसिड जो है वो एक तरीके का कीचड़ है जो हमारे रक्त को दूषित कर रहा है, और वो पाइपलाइनों में जाकर जमा हो रहा है, और हार्ट को उसको चलाने में बहुत जोर आ रहा है, और वो जोर आएगा तो वो एक दिन कोलैप्स हो जाएगा, खत्म। ये काम ना हो, इसके लिए सबसे पहली बात तो जो लोग अपने जीवन को फिर भी ठीक बनाए हुए हैं, और वो लोग कहते हैं कि मैं क्षारीय भोजन करता हूँ। क्षारीय भोजन क्या है? कच्चे अनाज जो हम अंकुरित करके खाते हैं, कच्ची सब्जियाँ या सलाद के रूप में लेते हैं, फ्रूट जो है वो जो हम खाते हैं, ये सारे क्षारीय भोजन है। मोटा अनाज जो है वो क्षारीय भोजन है। इनको बहुत ज़्यादा तेल घी में ना तले तो वो क्षारीयता उनकी बची रहती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसके साथ एक अम्लीय चीज जो है वो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, जो सारे क्षारीयता को अम्ल में तब्दील कर रहा है। देखिए, जिनको वो पचती है वो तो ठीक है, नहीं पचे तो उनको नहीं लेना चाहिए। क्या चाय, हमारे घर की सबसे महत्वपूर्ण डिश जो कि आम तौर पर जीवन में ढल चुकी है। हाँ, इससे कोई अछूता नहीं, भले ही मैं हो भले ही आप हो, अछूते नहीं है। ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है। सुबह की तो चाय एकदम बंद करिए, क्योंकि खाली पेट अगर आप चाय लेंगे, क्योंकि आयुर्वेद में औषधियों को, काढ़ों को या फिर जो जूस होते हैं उनको खाली पेट लेने के निर्देश हैं। क्यों? क्योंकि खाली पेट जैसे ही कोई चीज आती है वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर इफेक्ट करती है, ब्लड में उसका स्थान बनता है। तो अगर आपने खाली पेट पानी पिए बिना ही चाय ले ली तो आप रोज अपने ब्लड को अम्लीय बना रहे हैं, और ये अम्लीयता आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। तो चाय एकदम से आप सुबह की तो छोड़ ही दीजिए, दिन में भी ले तो। एक बात मैं आपको बता दूं, कहते हैं चाय खाली पेट नहीं लेनी चाहिए, उसके साथ कुछ ना कुछ खाना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं, आप उससे जस्ट पहले एक गिलास पानी पी लीजिए, जिससे वो अम्लीयता कुछ कम हो। पानी जो है उसके डाइल्यूट कर देगी उसके एक पावर को जो आपके नेगेटिव दे रहा है। तो ये अम्लीयता आपके ब्लड में नहीं जाए, इसके लिए जो चाय है उसको एकदम कम से कम करिए। ये एसिडिक है, शरीर में एसिड बढ़ा रहा है। जिनको एसिड की प्रॉब्लम है वो तो एकदम से बंद करिए, उनके लिए तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। और जिनको एसिड नहीं है, वो पचा पा रहे हैं, तो एक या दो चाय जो है वो भले ही आप लीजिए, लेकिन पहले पानी पीकर, और पानी भी घूट घूट पीकर, एक साथ ऐसे घटाघट नहीं, घूट घूट पानी पीजिए, 2 मिनट उसको दीजिए, फिर चाय को हाथ लगाइए। तो ये एक सावधानी मैं आपको बता रहा हूं, रक्त में अम्ल की क्षमता ना बढ़े और हमारा हार्ट जो है उसको चलने के लिए जोर ना आए, इसलिए ये छोटी सी बात थी जिसकी मैंने आपसे चर्चा की है, और आपको अच्छा लगा होगा ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं लेता हूं इजाजत। डॉक्टर मनोज योगाचार्य, त्रिनेत्र टीवी के लिए, त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।